नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 70,000 करोड़, रट लीजिए इस आंकड़े को। ये वो आंकड़ा है जो नुकसान बयां करता है। नुकसान दिल्ली में किसान आंदोलन की वजह से अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ रहा है। उद्योग संगठन एसोचैम के मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से हर रोज हमारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है और ये आंदोलन पिछले 20 दिनों से चल रहा है। अब इसे कैलकुलेट कीजिए तो कुल नुकसान आता है 70,000 करोड़ रुपए का। जितने दिन हड़ताल आगे बढ़ेगी ये नुकसान 3,500 करोड़ के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। यानी कोरोना काल में पहले से पस्त अर्थव्यवस्था और बेहाल होती चली जाएगी। अर्थव्यवस्था को नुकसान की इस खबर के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में विरोधियों पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। पीएम के मुताबिक विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। दूसरी तरफ किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली के ज्यादातर बॉर्डर्स पर आंदोलन अपना जारी रखे हुए हैं। आज किसानों की तरफ से कोई बात नहीं की गई बातचीत के लिए। उधर सरकार किसान दोनों तैयार तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार कानून वापस लेने को तैयार है और ना ही किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार है। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं 70,000 करोड़ का नुकसान कब होगा समाधान। पहले ये रिपोर्ट और फिर सारे खास मेहमानों से आपका परिचय। आज बात एकदम साफ हो जानी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान इस नुकसान के लिए तैयार है। जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। बीस दिन से सड़क पर किसान, नहीं निकला समाधान। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। सरकार बातचीत को तैयार, तारीख का इंतजार। जो कृषि मंत्री है, हाँ, उनकी किस रेट पर फसल बिकी, उनको नफा हुआ नुकसान हुआ, उनके परिवार वालों से जरा जरूर पूछ लो, उनका डाटा निकाल लो। तारीख के बारे में बातचीत चल रही है, इन सब लोगों के बीच में भी सहमति होगी और हम लोग बातचीत करके जल्दी तारीख तय करेंगे। मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं हो सकता। किसानों के नाम पे मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। किसान आंदोलन ने थामी उत्तर भारत की रफ्तार। किसान आंदोलन से अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान। बीस दिन के आंदोलन में 70,000 करोड़ रुपए स्वाहा। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही, उन्हें डराया जा रहा है। पहले कोरोना की मार, अब इकोनॉमी पर आंदोलन का प्रहार। करोड़ का नुकसान कब होगा समाधान। 20 दिन 70,000 करोड़। सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रोहन गुप्ता साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय सरदाना साहब कृषि अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र सिंह साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के। हमारे साथ अशोक ठाकुर साहब है जो कि नाफेड के डायरेक्टर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी है, शुरुआत का क्वेश्चन उन्हीं से इसीलिए क्योंकि 70,000 करोड़ की बात आ रही है। पुष्पेंद्र जी, जब सरकार ये कह रही है कि आइए चलिए मिल बैठकर बात कर लेते हैं, आइए अगर आपकी कोई दिक्कतें हैं तो क्लॉज बाय क्लॉज उस पर डिस्कस कर दिया जाए, तो
तो फिर क्यों आप लोग जिद पर अड़े, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, जिद पर अड़े हैं? नहीं देखिए रूबिका जी, किसान कोई जिद पे नहीं अड़ा है, सरकार जिद पे अड़ी है। सरकार ने जब ये अध्यादेश पास किए थे उसके बाद लगातार इन अध्यादेशों का विरोध जो है किसान करते रहे, आंदोलन करते रहे, उसके बावजूद भी बिना किसी सुनवाई के जो है इसको पास कर दिया गया। उसके बाद आंदोलन हुआ और दिल्ली हम लोग तो रामलीला मैदान में आ रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें वहां रोक दिया, वहां हम बैठे और उसके आगे सारे ऑब्स्ट्रक्शन इन्होंने लगाए हुए हैं। अगर ये चाहे तो रामलीला मैदान में सारे किसान आ सकते हैं, रामलीला मैदान में पहले भी प्रदर्शन होते रहे, जंतर मंतर में पहले भी प्रदर्शन होते रहे, तो प्रदर्शन करने के लिए किसान आ रहे थे, रोका इन्होंने। दूसरी बात पे आता हूं मैं, जो ये 3,500 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कर रहे हैं, आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, आरबीआई का डेटा है, पिछले 10 सालों में लगभग 7-8 लाख करोड़ रुपए का धन्ना सेठों का लोन राइट ऑफ कर दिया गया है। उसके बारे में एसोचैम ने कोई रिपोर्ट दी है क्या? उसके अलावा ओईसीडी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ साफ तौर पर देखा गया था कि भैया किसान विरुद्ध नीतियां अपनाने की वजह से सन 2000 से 2017 के बीच में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किसानों का हुआ है, करो भरपाई हमारी। कल को तो ये कहेंगे कि चुनाव भी नहीं होने चाहिए, चुनाव में 50-60 हजार करोड़ रुपया रैलियों में इसमें उसमें खर्च हो जाता है, इसका कोई तर्क नहीं है। आप लोगों ने हमें गलत जगह रोका है, हमारी जो है जीवन मरण का ये प्रश्न बन चुका है और इसको इस तरीके से पैसे से आंकना और गलत सलत आंकना गलत है। इस बात को कहते नहीं थकती हूँ और आइंदा भी कहते नहीं थकूंगी कि अगर किसान कंफर्टेबल नहीं है, किसान किसी बात को लेकर पसोपेश में है, तो हम उसका मरते दम तक साथ देंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, ये मामला क्लियर है, इसमें कोई दो मत नहीं है और सरकार भी इस मामले को सॉल्व करने के इच्छुक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब बस मुझे पुष्पेंद्र जी ये बताइए कि दिक्कत कहां आ रही है? आप कह रहे हैं एमएसपी, वो कह रहे हैं लिख कर देने को तैयार है, आप कह रहे हैं मंडियों का प्रावधान, वो कह रहे हैं चलिए ये भी लिख कर देने को तैयार है, आप कह रहे हैं ये धन्ना सेठ जो आपकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, सरकार ये कह रही है कि भाई जमीन का कोई वास्ता नहीं है, फसल का वास्ता है, तो फिर और इसे कैसे समझाया जाए? पुष्पेंद्र जी कम शब्दों में मुझे बता दीजिए दिक्कत क्या है, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ इस डिबेट को। बस मुझे बस 30-35 सेकंड में 4 सूत्रीय बात बता देता हूँ। नंबर एक, एमएसपी को सीएसईपी के अनुसार C2 कॉस्ट का 1.5 गुना देने का जो वादा था वो पूरा किया जाए, एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर पे भी बाध्यकारी बनाया जाए और जो पीएम किसान योजना में 6,000 रुपए दिए जाते हैं 24,000 रुपए किए जाए, और क्योंकि पशुपालन सेक्टर दूध की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा मरी हुई है लेकिन उसकी वैल्यूएशन फिर भी लगभग 1/3 है किसान के उसमें, उसको अमूल के जो रेट है, जो किसानों की अपनी संस्था अमूल, उसके रेट के हिसाब से किया जाए और तब तक जब तक इस पे सहमति ना बने इन कानूनों को सस्पेंड किया जाए। ये अगर मुद्दा जो है इस तरीके से हल हो सकता है तो इसको हल कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी विजय सरदाना जी क्या कहेंगे आप पुष्पेंद्र जी की इस बात के बाद? मैडम मैं भी विशलिस्ट लेके बैठा हूँ, मेरे को भी सब कुछ फ्री कर दिया जाए, इनकम टैक्स हटा दिया जाए, सर्विस टैक्स हटा दिया जाए, एजुकेशन फ्री कर दी जाए, एयरलाइंस की टिकट फ्री कर दी जाए, विशलिस्ट तो अनलिमिटेड है। पॉइंट ये है पुष्पेंद्र जी, जरा ये भी बता दें कि जो आपकी विशलिस्ट है उसके आगे जरा अमाउंट भी लिख दें। आपने कहा 6,000 से बढ़ा के 24,000 कर दें, उसके लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे, किस पे टैक्स लगाए ये बता दें। आपने कहा कि एमएसपी मैंडेटरी कर दें, प्राइवेट सेक्टर आपकी तरह यूनियन बना लेगा तो 9 लाख करोड़ रुपए सरकार के खाते में, 10 लाख करोड़ का पशुपालन है, मुर्गी वाला भी कहेगा अंडे का एमएसपी दे दो, इसका भी दे दो, 3 लाख करोड़ मुर्गी पालन को दे दो, मछली वालों ने क्या दिक्कत करी है 3 लाख करोड़ उनको भी दे दो। तो इस देश में टोटल टैक्स कलेक्शन है 16 लाख, मैं 26 लाख करोड़ का बिल बना के दे देता हूँ, आप पैसे का इंतजाम कर दो, जो आप कहेंगे मैं मान लेता हूँ। विजय सरदाना और पुष्पेंद्र जी को प्लीज आप स्क्रीन पर रखें, मैं चाहती हूँ आप दोनों की बातें पूरा देश सुने और उसके बाद मैं इसको पॉलिटिकली उस टेंजेंट पर ले जाऊंगी। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए, विजय सरदाना ने कुछ सवाल पूछे हैं, कड़वे हैं जी, जी, जी। लेकिन सवाल तो सच्चे, पुष्पेंद्र जी आप भी जानते हैं। विजय सरदाना जी ने जो मैंने बात कही वो सुनी नहीं, और विजय सरदाना जी हमारे मित्र भी है और समझते भी है जो हम बात कह रहे हैं वो कितनी जस्टिफाइड है। हमने ये बात कही है कि आपकी गलत नीतियों की वजह से 3.25 लाख करोड़ रुपए का हमारा नुकसान पहले ही हो रहा है, और अभी ब्रेक आएगा आपको वो स्टडी भेज दूंगा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी थी, ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहा हूँ, ओईसीडी 36 देशों की संस्था है, उसकी वो स्टडी है और तमाम नीतियां पिछले साल ही कॉरपोरेट का इनकम टैक्स जो घटाया गया 10% उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा है,
सरकार को, और ये एमएसपी लागू करने के लिए एडिशनल प्राइवेट सेक्टर पे मात्र 50,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। आप 1.5 लाख करोड़ रुपया वापस कर दीजिए, सरकार 50,000 करोड़ रुपया हमें दे देगी, 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का बच जाएगा। तमाम इंसेंटिव्स आपको दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लगातार जो है किसानों की लूट इस देश में जो हो रही है उसको किसान समझ चुका है, और तमाम जो नीतियां आप बता रहे हैं, जो दिया और जो लिया वो सारा हिसाब 2.75 लाख करोड़ रुपया मेरी जेब से निकल जाता है, ये OECD की रिपोर्ट कह रही है और जो आपने पढ़ी है, लेकिन आप उसको दरकिनार करते हुए कह रहे हैं कि हमें इंसेंटिव दिए जाते हैं। इंसेंटिव खाता है मेरे पास, ये देखिए, ये पुष्पेंद्र जी आप मेरी बात भी सुन लो, हम सारी सब्सिडी खत्म कर देते हैं, जो आपका हिसाब किताब बनता है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर देते हैं, इस देश में सारी सब्सिडी हटा दीजिए, चाहे वो बीज है, खाद है, बिजली है, पानी है, सब हटा दो, हिसाब कर लेते हैं भाई ये किसान को कितना चाहिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर देते हैं, सारे झगड़े खत्म। फिर आपको अगर खेती करनी है आप करिए, नहीं करनी मत करिए, बिल्कुल जो आपका बनता है गरीब किसान का वो दे देंगे, कम से कम अमीर किसानों के पास तो वो पैसा नहीं जाएगा, इनकम टैक्स भी आप नहीं देते, बाकी चीजें भी नहीं देते, सिर्फ आपने बीज पे सब्सिडी, पानी पे सब्सिडी, खाद पे सब्सिडी, ट्रैक्टर पे सब्सिडी, सब चीजों पे सब्सिडी, माल बिक गया तो FCI की सब्सिडी, सब गलत है आपकी फिगर। आपको चाहिए MSP, अब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, रेट बढ़ाने, सुन लीजिए, सबसे अच्छी बात है क्वालिटी की बात नहीं करते कि क्वालिटी किस अरे चीज सुन की तो लीजिए, अब उसमें 14% मिट्टी होगा, आप सुन लीजिए, उस MSP किस बात की होगी, अरे सुनिए, कहाँ 14% मिट्टी होगा, क्या बात कर रहे हो आप, मुझे ये बता दीजिए पुष्पेंद्र जी, अगर मैं आपकी डील करना चाहता हूँ, अब सुन तो लीजिए सरदाना जी, इस पॉइंट का जवाब तो सुन लीजिए, नहीं अरे सुन लीजिए मेरे भाई, आप शांति तो कर लीजिए, मैडम इनका माइक डाउन कराइए तब मैं बोलूंगा। आपका 25 लाख करोड़ रुपए का बिल आपने, अरे भैया मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपका, पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं बता रहे हो, ठीक है पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए, पुष्पेंद्र जी, अरे भैया हाँ मैं बता रहा हूँ, पहली बात मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो नीतियाँ सरकार ने, अरे सुन लीजिए आपके सवाल को पूरे देश ने बहुत अच्छे से सुना भैया, ये जो नहीं नहीं सर, ये मन में तो सवाल है, ये मन में तो सवाल है पुष्पेंद्र जी, इसका जवाब तो चाहिए। जो मैंने OECD की रिपोर्ट मैडम बताई है, कोट किया है, उसमें ये दोनों कॉलम लिखे हुए कि किसान को क्या दिया और किसान से क्या लिया, उसमें नेट आ रहा है 265 हजार करोड़ रुपए का प्रति वर्ष का जो है। आप बात नहीं जाने देना चाहते सरदाना जी, सरदाना जी आपकी बात समझ में आ गई, अब जवाब देने दीजिए, फिर उसके बाद मेरे तीन और मेहमान जी बता रहे हैं, इस देश पैसा कहाँ से आएगा, पुष्पेंद्र जी बताइए ना पैसा कहाँ से आएगा, इस हाँ किस पे टैक्स लगाइए, अरे आप हमारा पैसा उल्टा ले रहे हैं, जो दे, अरे भाई सरदाना जी आप तसल्ली कर दीजिए, सरदाना जी आप शांति से बैठिए, आप सुन तो लीजिए, आपने हमें क्या दिया, तसल्ली कहाँ से हो जाएगी, बस 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 सरदाना जी बात तो समझ में आ गई, आपने सवाल पूछ लिया ना कि पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स किस पर लगाएंगे, ये सबने सुन लिया, अब इसका जवाब पुष्पेंद्र जी 10 सेकंड में मुझे दीजिए, तीन और मेरे मेहमान हैं, आप भी जानते हैं, सब अपना वक्त निकाल कर आए, मैंने जो OECD की रिपोर्ट कोट की है उसमें ये दोनों हिसाब है कि किसान को क्या दिया वो एक कॉलम में लिखा जाए और किसान से क्या लिया जाता है वो एक कॉलम में लिखा जाए, तो दोनों का हिसाब नेगेटिव आ रहा है किसान के प्रति, करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नेगेटिव है मेरा हिसाब, और आप लोग जो धन्ना सेठ ले गए लूट करके विजय माल्या जैसे, उनका जब हिसाब आप लगाओगे तो वो कई और लाख करोड़ रुपए का आ रहा है, सुधांशु जी, सुधांशु विजय सरदाना जी, इस देश में किसान की लूट होती रही है लगातार, पुष्पेंद्र जी अब किसानों में भी दो तरीके के किसान है और ये हम जानते हैं, एक सेकंड, वो धन्ना सेठ जो है वो टैग किसानों पर भी लगता है, आप भी जानते पुष्पेंद्र जी, आप तो इतना काम करते हैं किसानों के बीच में, आप खुद एक किसान है, आप इस बात को जानते हैं, और उस गरीब किसान के पास सच में कुछ नहीं पहुंच पाता है ये भी आप जानते हैं, आप हंसी मजाक में ही सही, लेकिन इसमें सच्चाई के बिंदु हैं कि ऑडी में भैंसे ले जाई जाती है, कैसे कैसे आम आदमी बोलता है ये बात, टीवी पर कम आती है, लेकिन आप भी जानते हैं, नहीं नहीं मैं बता देता हूँ, आज भी लगभग 90% किसान जो है लघु सीमांत किसान है मैडम, जिसके पुष्पेंद्र जी आप सही कह रहे हैं, पर मैं कह रही हूँ कैटेगराइजेशन आज की तारीख में जरूरी है, सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी आप समर्थन दोगे, देखिए
जो बात पुष्पेन जी ने कही और जो बात रूबिका जी आपने कही, मैं दोनों के बीच की बात देता हूं। देखिए, इस देश में किसान कई जगहों पर बहुत बुरी स्थिति में भी है, जहां आत्महत्या की भी बातें आती है, परंतु मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, यहां तो ऐसे भी किसान यूनियन के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर सब लोग ये जानकारी इस समय पब्लिक डोमेन में है, जो दो दो बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और जब लोकसभा चुनाव लड़ता तो आदमी को अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, 600-600 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया है। अब आप ये बताइए, इन किसानों की तुलना उनसे सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कहां होती थी? विदर्भ में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में। मैं फिर विनम्रता से पूछ रहा हूं, वहां पे कितना किसान आंदोलन दिख रहा? और अगर होता तो सोशल मीडिया के जमाने में हमारे मित्र रोहन गुप्ता जी की पार्टी का तो वहां पे शासन है, वहां छा दिया होता साहब, पूरे इंटरनेट के ऊपर देख के साहब ये हो रहा है। अब जो बातें अभी विजय सरदाना जी और पुष्पेन जी कह रहे थे, आंकड़ों की बात को लेकर हर व्यक्ति अपना अपना इंटरप्रिटेशन देता रह सकता है कोई रिपोर्ट लेके, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूं, जो अभी पुष्पेन जी ने कही थी, आपने कहा एमएसपी लीगल, अगर ये कानून वापस ले लिया जाए तो एमएसपी लीगल हो जाएगी क्या? नहीं, फिर भी नहीं। तो मुझे औचित्य तो समझ में नहीं आ रहा, वापस लेने और लीगल का क्या अर्थ है? लीगल होना एक अलग प्रक्रिया है, और दुनिया में एक देश बताइए, दुनिया में एक देश जहां पर कि बाजार में किसी चीज का मूल्य सरकार तय कर दे, अच्छा सरकार तय भी कर दे तो उस मूल्य पे व्यक्ति खरीद ले। और दूसरा, जो आपने कार्पोरेट टैक्स की बात कही थी, दुनिया में एक देश बताइए जहां हमारे यहां जो कार्पोरेट टैक्स था उस समय 30% से ऊपर कार्पोरेट टैक्स वाला, एक देश बता दीजिए। और तीसरी बात मैं कहता हूं, इस समय जब दुनिया की बात चली गई है तो जो देश किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्पेन हो, ये तो वही थे जो WTO में भारत के खिलाफ खड़े थे कि हम एमएसपी देने लायक ही नहीं रहते। 2013 में जिनेवा में जो उन्होंने दबाव बनाया था, मोदी सरकार चट्टान की तरह बाली 2014 अगस्त में आके खड़ी हो गई। वरना ईमानदारी से पुष्पेन जी, आप पढ़े लिखे हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा, शायद 2021-22 आते आते हम एमएसपी देने लायक हमारे पास ताकत ही नहीं रहती, किसान का तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाता। और जिन पार्टियों ने जाकर कैसे समझौते किए, वो पार्टियां आज अलंबरदार हो गई, और लाल झंडा उठाए जो लोग खड़े हैं उनकी एक ही जगह सरकार है केरल में, वहां APMC एक्ट ही नहीं। अब वो उनसे पूछे तो कहेंगे नहीं, वहां तो किसान बहुत अच्छी तरीके से स्थिति में, तो भाई अगर वहां अच्छा दूसरी है क्यों नहीं रह सकता? पुष्पेन जी ने धन्ना सेठ की बात कही, खाद्य प्रसंस्करण में दुनिया का सबसे बड़ा धन्ना सेठ कौन है? नेस्ले। और नेस्ले के साथ सबसे बड़े समझौता कब हुआ था? 1961 में नेहरू के जमाने में, मैच्योर हुआ 1967 में इंदिरा जी के जमाने में। दूसरा सबसे बड़ा धन्ना सेठ है पेप्सी, जिसके साथ 1988 में पंजाब सरकार राजीव गांधी के जमाने में, और अभी मार्च 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। अब वहां पूछेंगे, कहेंगे नहीं वो सब तो अच्छे ढंग से चल रहा है, तब अच्छी तो भाई दो में से बात मान लो, या तो कह दो भाई नेस्ले और पेप्सी। अगर मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, और पुष्पेन जी ये आपके लिए भी बेहद जरूरी है और बाकी दर्शकों के लिए भी, अशोक जी के लिए भी, रोहन जी के लिए भी, हमारे साथ जो सरदाना साहब बैठे उनके लिए भी। देखिए ये अब कोई टाइम रहा है कि हम उद्योगपतियों में, किसानों में, काम करने वालों में, सर्विसमैन में, आर्मी में किसी तरह का कोई कैटेगरी बना दी जाए? भाई धन्ना सेठ है, वो काम कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, बात खत्म। अगर वो इलीगल है तो सलाखों के पीछे जाए, बात खत्म हो जानी चाहिए। पर सिर्फ इसलिए कि धन्ना सेठ है और सिर्फ इसलिए कि किसान है, हमारी सोच, हमारा पर्सपेक्टिव बदल देना चाहिए। क्या ये वक्त है ऐसा? रोहन गुप्ता जी, मैं चाहती हूँ आप भी जवाब दें। और दूसरा ये कि जवाब देने से पहले, किसानों का आंदोलन ठीक है, लेकिन इसमें जब लेफ्ट की डफली बजने लग जाए, जब शर्जिल इमाम को आप लोग फ्री कर दीजिए, फिर उसके बाद दूसरे तमाम ह्यूमन राइट्स वाले आ जाए, अरे ये मजाक है, ये प्लेटफॉर्म है कि कोई भी आकर उछल कूद करने लगेगा? रोहन जी, बिल्कुल जिस प्रकार से सुधांशु जी की आप बात सुन रहे थे, पूरे भाजपा के सूर बदले बदले नजर आ रहे हैं। यही भाजपा है जो 6 साल पहले उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कह रहे थे कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये वही भाजपा है जिनके प्रधानमंत्री कहते थे कॉस्ट प्लस 50% हम देंगे। अब जब देने का मौका आया तब मुकर रहे हैं। आज सुधांशु जी की पार्टी ये कह रही है कि एमएसपी कहीं जाने वाली नहीं, और सुधांशु जी यहाँ पे कहते हैं कि एमएसपी तो हम दे ही नहीं सकते, एमएसपी हम लाएंगे कहाँ? ये जो डबल स्पीक है, जो डबल स्पीच है रूबिका जी, इससे किसानों को इन पे भरोसा नहीं आ रहा। और आज 5 धनदाता के लिए 62 करोड़ अन्नदाता के साथ ये लोग अन्याय कर रहे हैं, जो 18 दिन से आज वहां पे बैठे हैं, इतनी वहां पे ठंड है, ठिठुर रहे, क्यों कर रहे हैं? उनको मालूम नहीं चल रहा उनके लिए क्या सही है गलत? किसानों की वहां पे मौत हो गई, उनको नहीं मालूम चल रहा है क्या सच है गलत है? जहां विश्वास नहीं हो, जहां नियत में खोट हो भूमिका जी, वहां पे कभी समाधान नहीं हो सकता है। हम इमारत बनाने के लिए ये बात कर रहे हैं कि हम लोग नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, अरे भैया जिस इमारत की नींव में ही खोट हो, आप स्ट्रक्चर कहां बनाएंगे? आप बात कर रहे हैं एमएसपी की,
ये तीन काले कानून रूबिका जी किसी ने मांगे नहीं है, किसानों ने नहीं मांगे, उनके ऊपर थोप दिए गए हैं। जो चल रहा था वो चल रहा था, किसान ने तो कभी कुछ नहीं कहा। किसान ने हमेशा कहा कि हमारी जो लागत का मूल्य है वो हमको मिले, हम मजदूर करें, हम मेहनत करें। और जो एक विजय जो अर्थशास्त्री है, तो मुझे आपत्ति है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे किसान हर चीज मुफ्त में कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है हमारे अन्नदाता को समर्थन देने की। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 85% किसान छोटा है, 2 एकड़ से कम जमीन है, अगर उसको हम साथ नहीं देंगे तो बंधुआ मजदूर हो जाएगा। ये पूरी जो बात है छोटे किसान को समर्थन की बात है, जिससे उसका शोषण ना हो। जब एमएसपी नहीं रहेगी तब बड़े उद्योगपति के सामने 2 एकड़ छोटी जमीन वाला किसान क्या नेगोशिएशन करेगा, कहां पे लेके जाएगा अपना सामान। बात यहां पे किसानों के हित की रक्षा की है। और अगर 18 दिन से जो सरकार किसानों को उनके हित की बात नहीं समझा पाई, आज प्रधानमंत्री जी मीडिया में आके बोल रहे हैं कि हम उनके बात की जब जानते हैं, ये मार्केटिंग नहीं चलेगा रूबिका जी। उन्होंने अन्नदाता से पंगा लिया है। अन्नदाता जब अनाज उगाता है तो फसल काटना भी जानता है, वो अहंकार को काटना जानता है, उसको मालूम है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अहंकार छोड़ो, बात करिए, एक बार ये किसान जो कानून है हटा के डिस्कशन कीजिए, जो अच्छा होगा उसको आप लागू कीजिए। कानून हटा के मतलब ये इसी मसले को मुझे समझना है, जो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि एमएसपी पुष्पेंद्र जी कोई कानून थोड़ी बन जाएगा। अगर मान लीजिए कानून हटा भी दिया जाता है, उसकी लीगैलिटीज और कानून वापस ले लेने की बात, ये दोनों बहुत अलहदा चीजें हैं। अशोक ठाकुर साहब नफेद के डायरेक्टर, उसके बाद पुष्पेंद्र जी अपनी बात रखिएगा। अशोक जी, क्या कोई समाधान है क्या यहाँ पर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, इनफैक्ट कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, मैं चेक करवाऊं। अशोक जी आप इतना देर इंतजार करते रहे 20 मिनट इनफैक्ट, और आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही, एक बार फिर ट्राई करते हैं। अशोक जी कुछ कहिए, नहीं तो फिर मैं ठीक करवा कर लौटती हूं आपके पास। जी मैं बात डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ पुष्पेंद्र जी रखिए अपनी बात रखिए। देखिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं, कल ही रात 10 बजे के आपके प्रोग्राम घंटी बजाऊ में आपने दिखाया था कि किस प्रकार यही जो धन्ना सेठ जिसकी बात आपने की, ये 1100 रुपए में धान खरीद करके और उसको एमएसपी पर मध्य प्रदेश में जाकर के बेच रहे हैं, यही चीज ये करते आ रहे हैं लगातार। और जो हमारे विजय सरदाना जी बोल रहे हैं अंडे के बारे में, अरे भैया 2 अंडे के का पिछले साल जो है बंबई के एक 5-स्टार होटल में 1700 रुपए का बिल दिया था, भूल गए क्या आप? 2 केले का 400 रुपए का बिल दिया था एक प्रसिद्ध कलाकार को, यही इस देश का प्राइवेट सेक्टर है। और उस 2 केले के उसको आप 2-5 रुपए भी किसान को नहीं देना चाहते अंडे के, तो ये कहां कहां का न्याय है? आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और तीसरी बात, इंटरनेशनल वाली जो बात करते हैं कि वहां उस देश में वो है, वो उस देश में वो है, ओईसीडी देश अपने देश के किसानों को उसी ओईसीडी की रिपोर्ट में लिखा है $235 बिलियन जो 17-18 लाख करोड़ रुपया बनता है, और $232 बिलियन चाइना हर साल अपनी देश के किसानों की मदद कर रहा है। तो मतलब आप उससे कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उससे कर लीजिए, दे दीजिए 17 लाख करोड़ रुपया, करीब 1.25 लाख रुपया बनेगा एक किसान परिवार के लिए, आप दे सकते हैं? आप तो 6,000 रुपए दे करके ही सोच रहे हैं हमने बहुत कुछ कर दिया, दीजिए 1.25 लाख रुपया हर किसान परिवार को, अगर उससे कंपेरिजन कर रहे हैं तो। ये चीज नहीं चलेगी आपकी। पुष्पेंद्र जी मैं आपके इस बात से तो 100% अग्री करती हूँ कि जब खेत से निकलता है, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सब्जियां हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा प्योर उस फॉर्म में होती है, लेकिन वो जाते जाते 5-स्टार 7-स्टार में जितनी आप कह सकते हैं डिटीरियोरेटेड फॉर्म में हो, आप उसका बहुत शानदार पैसा देते हैं, लेकिन वो किसान वहीं का वहीं उस जमीन पर है, ये तो दूरी पाटनी पड़ेगी ना। तो क्या ये तीन कानून इस शुरुआत की तरफ नहीं है? एसोचैम की तरफ से ये कहा गया है कि इन 20 दिनों में जो किसान की तरफ से आंदोलन हुआ है, अगर उसका आकलन किया जाए तो वो 70,000 करोड़ का है, यानी एक दिन 3,500 करोड़। और इसीलिए जब जब ये आंदोलन आगे बढ़ता चले जाएगा, उतना नुकसान इसमें ऐड करते चले जाइएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, रोहन गुप्ता जी, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, अब बात यहां पर आकर टिक गई है कि आप लोग आपस में बात करेंगे तभी जाकर ये नुकसान को रोका जा सकता है, आप क्यों नहीं सरकार से बात करना चाह रहे हैं? सरकार कह रही है आइए ना बात करते हैं, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चलिए बात करते हैं, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म का नाजायज इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, ये आपने भी देखा, वो तो शुक्र है कि किसानों ने भगा दिया उन लोगों को वहां से, वरना पटरी तो पूरी बदल गई थी, कहीं और जा रही थी।
देखिए मैडम, देखिए इस देश का ही किसान है, सरकार भी इस देश की चुनी हुई सरकार है, और जिन नागरिकों को और किसानों को भी खुद असुविधा हो रही है उसके प्रति भी किसान संवेदनशील है। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट किसान आंदोलन का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है तो मैं खुला कह रहा हूं, वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा जा चुका है कि भैया उसको तुरंत पकड़ के जेल में डालिए, आपके पास सारा सरकारी तंत्र है, हमें किसी एंटी सोशल एलिमेंट का, किसी कनाडियन का, किसी पाकिस्तानी का, किसी खालिस्तानी का सहयोग इसमें नहीं चाहिए, बहुत स्पष्ट है हम, और ना ही हम अन्य चीजों की मांगों को यहां उठाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन अगर अपनी सरकार से अपने विषय में जो कानून पास किए हैं उससे कुछ पीड़ा किसान के मन में है तो वो अपनी सरकार के सामने अगर रखना चाह रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? उसको कानून को साइड करके आप बात करके और उसको फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। आपने उसको अगर थोप दिया, किसान को लग रहा है थोप दिया, रिफॉर्म्स की जरूरत थी, ये बात बिल्कुल ठीक है, रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसमें क्या क्या हो क्या क्या ना हो इसकी चर्चा यदि हो जाती विस्तृत रूप से और किसानों को कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता तो ये ऐसी स्थिति नहीं बिगड़ती। हमारा तो केवल ये कहना है। ठीक है सुधांशु जी, मैं रिफॉर्म कौन नहीं चाहता है और मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली बातें रख दी है। देखिये जो आपने बात कही रिफॉर्म्स की बात, तो इसके तमाम प्रकार के उदाहरण भी आ रहे हैं, आज ही के आप समाचार पत्रों में देख लीजिए। तो ये बरनौर जिले में राजस्थान में 6 रुपए किलो मटर मंडी में बिक रही थी, 20 रुपए किलो घर से व्यापारी को भेज दी गई, जब किसानों को पता चला तो मंडी में जाकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि साहब बाजार का मूल्य ये है तो आप हमसे 6 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं। होशंगाबाद में आज ही का एक उदाहरण है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो धान का मूल्य तय था व्यापारी का 2950 रुपए प्लस 50 रुपए बोनस में, उसमें जब आनाकानी की एसडीएम कोर्ट में गए, 24 घंटे के अंदर पेमेंट करने का आदेश जारी हुआ, इस कानून के तहत पहली वाली कार्रवाई हुई। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो पुष्पेंद्र जी ने कहा उनके मन की आशंका सही हो सकती है, परंतु यहां पर हमारे मन में इसलिए शंका उत्पन्न होती है कि इतनी बात करने के बाद, अब पंजाब है जहां के किसान सर्वाधिक आंदोलित है, आक्रोशित है, अब वहां फल और सब्जी के ऊपर एपीएमसी नहीं है और धान और गेहूं पर चाह रहे हैं, तो कैसे संभव है कोई चीज फल और सब्जी के लिए तो अच्छी है, धान के लिए खराब है। अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, क्या फल और सब्जी से इसीलिए तो नहीं हटा दी है कि पेप्सी आपसे 8 रुपए किलो आलू खरीदता रहे और फिर हम लोगों को वेफर्स में सजाकर 350-350 रुपए किलो के हिसाब से बेचे? ये कौन व्यवस्था कर रहा है? पंजाब में प्लांट है ना, तो जो बात हो खुले दिल से। अभी रोहन गुप्ता जी इतना भाषण दे दिए, अरे भाई राहुल गांधी जी केरल प्रांत से सांसद है, केरल में पीएमसी क्यों नहीं? और अगर केरल में एपीएमसी पहले लागू करिए तब दिल्ली में आके झंडा उठाइए। अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप केरल में तो नहीं और दिल्ली में झंडा उठाए? और अगर केरल में एपीएमसी के बगैर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप कैसे कह रहे हैं कि यहां पे खराब होगा? इसलिए जो दोहरी बातें दिखाई पड़ रही। और अंत में एक बात करूं, विपिन जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये बाहर हो जाए। यहां समस्या क्या है कि आंदोलन का कोई नेता नहीं। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारडोली किसान सत्याग्रह से लेकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के 1988 तक, अब क्या होता है, एक नेता होता, उसने एक बार कह दिया बाहर, इनसे कोई मतलब नहीं, विषय समाप्त हो जाता है। अब यहां क्या है कि 42 यूनियन है और सब कह रहे हैं हमारी सबसे बात करिए। अब एक यूनियन आप ऐसी नहीं बता सकते इसमें कोई अध्यक्ष ही ना हो, नहीं जी सबसे बात होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब हम तो इनको भगा रहे हैं, दूसरे लोग कहते हैं हम तो किसान के हित के लिए आके खड़े हैं। तो ये जो एक स्थिति है जिसकी वजह से समाधान निकलने में तो समस्या है, वो तो एक पक्ष है, इससे आपके आंदोलन की प्रतिष्ठा और देश की प्रतिष्ठा दोनों के लिए समस्या हो रही है। और अभी केजरीवाल जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सरकार कह रही है सबसे बात करने को तैयार है। एक सेकंड रोहन, क्योंकि किसानों को लेकर ये मसला है ना, आज बढ़िया डायरेक्शन में डिबेट जा रही है, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत इत्मीनान से एक दूसरे की बात सुनते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पुष्पेंद्र जी बता दीजिए फिर कि भाई आपसे बात करेंगे तो कल को कोई और साहब आ जाएंगे कहेंगे भाई मेरे तो संघ से बात ही इन्होंने नहीं की है, हम नहीं मानते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले 40 लोग गए थे, उसके बाद एक 13 लोगों की भी समिति बना दी गई थी, उनको वार्ता के लिए बुलाया गया था। जब उन्होंने बात ये कह दी कि भैया ठीक है आपने ये कानूनों में ये कमी है, कुछ आपने मान भी ली थी, लेकिन जब आपकी जो मेन मांग थी एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर में बाध्यकारी बनाने की, ये चीज वहां से शुरू हुई थी, उस चीज को जब नहीं माना और सरकार अड़ गई तो कहीं ना कहीं किसानों ने भी सोचा भाई ठीक है जब तुम किसी बात को मानते ही नहीं हो और इतना अत्याचार भी हमारे ऊपर कर चुके हो और 20 दिन से हम यहाँ पड़े हुए तो ठीक है फिर हम सारे मामले को रिजेक्ट करते हैं। इसमें भी अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो इसको अगर 6 महीने के लिए सस्पेंड करके वार्ता खोली जा सकती है, इसमें कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। अगर किसान की भलाई के लिए कोई बात है
तो उसको थोड़े दिन के लिए समझाने के लिए आप सस्पेंड कर दीजिए। जब आपने अध्यादेश पास किया उसके बाद चर्चा करते आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी देखिए, पुष्पेंद्र जी ने जो बात कही कि जो लोग एमएसपी प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी की बात। पहली बात तो सरकार मूल्य निर्धारित कर दे किसी भी चीज का बाजार में और वो चल जाए। दूसरी बात देखिए, जब भी किसी का मूल्य निर्धारित होता है तो क्वालिटी के सापेक्ष इस क्वालिटी की चीज का इतना ही होगा। अब कृषि उत्पादों में और जो प्राकृतिक उत्पाद है, किसी भी प्राकृतिक कारण से क्वालिटी में तत्काल अंतर आ सकता है। अब मान लीजिए गेहूं था, आपका तय हुआ करार 100 रुपए, एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, अचानक उसमें पानी बरस गया, थोड़ी नमी आ गई, तो आज तो 100 का माल 80 या 90 में बिक जाएगा। और अगर कानूनी बाध्यता होगी तो अब वो सामने वाला तो नहीं खरीदेगा, कहेगा साहब इसमें तो नमी आ गई, अब या तो वो 100 का खरीद दे या वो कूड़ा हो गया। तो मैं मानता हूं कि तो एक बड़ी विचित्र स्थिति किसानों के अहित में क्रिएट हो जाएगी। आप मोबाइल खरीदते हैं, 20,000 रुपए का मोबाइल है, केवल पन्नी फट जाए उसकी तो 15,000 रुपए उसकी वैल्यू हो जाती है। अब आप कह रहे हैं जी 20 में ही खरीदनी हो, कहेगा जी मुझे नहीं खरीदनी, तो वो 20,000 का मोबाइल 20 रुपए का भी नहीं रह गया। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं वो जरा व्यवहारिकता सोच ले, फल सब्जी अनाज में क्वालिटी का किसी भी कारण से जरा जरा सा निकल गया, अब उस समय क्या होगा, फिर व्यवहारिकता वही कूड़े के भाव बिकेगा, ब्लैक में खरीद के किसान को चपत। सुधांशु जी नहीं नहीं, मैं इसको जवाब बता देता हूँ। सरकार सारे मार्केट्स को रेगुलेट करती है। दो तीन उदाहरण बता देता हूँ। मजदूरों की सुरक्षा के लिए आपने जो है मिनिमम वेजेस एक्ट लाया हुआ है, उससे कौन सी इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, मजदूरों को हायर करना उन्होंने बंद कर दिया। आपने खुद की अपनी सुरक्षा के लिए स्टाम्प ड्यूटी का सेक्टर रेट घोषित किया हुआ है कि इससे नीचे कोई खरीद बेच नहीं होगी, और जबकि एक सेक्टर में कोई प्लॉट हो सकता है जमीन, जो क्वालिटी की बात आप कर रहे हैं, कोई सेक्टर रेट में मेन रोड पे हो सकता है, उसका भी सेक्टर रेट वही है, अंदर का भी सेक्टर रेट वही है, ऐसे क्यों कैसे आपने कर दिया। तो ये तमाम उदाहरण है। इसके अलावा जो आप बात कह रहे हैं उसकी संभावना आराम से हो सकती है। आपको मैं इसका उदाहरण दे दूं, गन्ने का मूल्य जो है घोषित करती है सरकार, खरीदती है प्राइवेट मिल, और प्राइवेट मिल से जो एक्स मिल गेट प्राइस है चीनी का, वो भी जब रेट गिर गया था तो चीनी मिलों ने घोषित करवा रखा है 31 रुपए से नीचे नहीं बिकेगी, तो उसको क्यों नहीं आपने फ्री किया। इसी तरह आप जो है जब यहाँ स्टील सस्ता हो जाता तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आप क्यों लगवाते हैं, फॉरेन कंट्री से ना आ सके, तमाम चीजें। रोहन जी बस 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 एक सेकंड में आ रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। कुछ सवाल है जिनके जवाब देखिए, आप पुष्पेंद्र जी ने जो बात बोली, इससे तो समाधान स्वयं हो गया। अब उनकी बात मान ले तो प्राइवेट गन्ना मिल खरीद रही है उसी प्राइस के ऊपर, बगैर कानून के भी खरीद रही है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, तो यह चीज उसके द्वारा भी हो सकती है। और फिर जो मैंने आपसे बात कही थी कि इसमें जैसे ही क्वालिटी में कोई वेरिएशन आएगा और व्यक्ति नहीं खरीदेगा तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, आप कीमत तय कर सकते हैं, खरीदार बाध्य नहीं करा रहे हैं किसानों में खरीदना है। इसलिए आप उदाहरण देता हूं, बिहार में शराबबंदी थी तो हम ही लोग टीवी पे आके बहस करते थे, रोहन जी की पार्टी के लोग, साहब शराबबंदी से तो और नुकसान हो गया, जो 100 रुपए की बोतल 150 रुपए 200 रुपए मिल रही क्योंकि ब्लैक में सब कुछ चल रहा है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं पूर्णबंदी के बाद भी आप ओपनली आके टीवी चैनल पे कहते हैं जो सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कीमत निर्धारित कर देंगे और वो कीमत निर्धारित सारे लोग मानकर उसी पे खरीद लेंगे। यह बात मेरे विचार से किसानों के कितने हित में है या कितने अहित में है ये सोचने वाली। देखिए रूबिका जी, मैं बड़े सिंपल वे में इसको समझाना चाहूंगा कि क्यों आज देश का किसान इसलिए रूठा है, क्योंकि देश का शासन झूठा है। जब सुधांशु जी ने बात की, मैं तीन चीजें कहना चाहूंगा। नंबर वन, आपने एपीएमसी को हटाने की बात की, आपने एमएसपी को हटाने की बात की, मुद्दा यह है आपकी नियत में खोट है। अगर आपकी तीन लॉ में नियत ये होती कि मुझे किसान को मदद करनी है तो किसान, आप इसमें मत बोलिए, मैं चुपचाप उसका भी जवाब दे रहा हूं आपको। 18 दिन किसान रोड पे नहीं बैठता अगर आपकी नियत साफ होती। अगर आप एपीएमसी हटाते हैं और आप एमएसपी हटा देते हैं, आप बोलते नहीं कि हम तो एमएसपी नहीं हटा रहे हैं। मुझे बताइए 2 एकड़ जमीन वाला 85% किसान कैसे बड़े जो भी उद्योगपति उसके साथ में नेगोशिएशन करेगा, नहीं कर पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए एमएसपी फिक्स ही नहीं की। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट में जो होल्डिंग की क्वांटिटी थी उसका मतलब ये हुआ कि मैं इतना प्रतिशत माल स्टोर कर सकता हूं, उसकी आपने लिमिट हटा दी। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसान क्यों नाराज है। कल एक गन्ना जो उद्योगपति है वो 2,00,000 टन गेहूं स्टोर करके, जब छोटा किसान उसके पास जाएगा कि नहीं मुझे ये एमएसपी क्यों नहीं, मुझे तो नहीं खरीदना, मत करिए, उसका बाइंग पावर कहां पे है। आप किसान की जो नींव है, जो छोटा किसान है उसकी नींव पे आप वार कर रहे हैं, इसीलिए किसान खुश नहीं है।
ये तीनों मुद्दों को आप इकट्ठा करेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि ये तीनों लोग ये किसी अन्नदाता के लिए नहीं है, ये आपके 5 करोड़पति धन्नदाता के लिए है और किसान को इसलिए आप पे भरोसा नहीं आ रहा है। रूपिका जी और एक चीज, 6 बार वार्ता हुई है, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन नहीं हुआ है, पर जो मूल की जो चीजें हैं नींव में ही गड़बड़ होगी, किसान कैसे भरोसा करेगा? किसान का सिर्फ ये चाहिए कि हमारा ये दूसरी मर्तबा कह रहे हैं सुधांशु जी, मतलब जैसे मान लीजिए हम आपने कोई ऐसी चीज रखी जो हमारे फायदे की है, मतलब वो पुष्पेंद्र जी के फायदे की, वो मेरे फायदे की, वो रोहन गुप्ता के फायदे की, तो हम अपने फायदे की चीज को क्यों नहीं लेंगे? और अगर वो फायदे की है तो वो आप हम तीनों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है, जो न समझना चाहे उसे नहीं समझाया जा सकता। रोहन जी ने देखिए क्या कहा था अपनी वक्तव्य में कि केरल का जवाब दूंगा, 3 बार मैं दे रहा हूँ, केरल का जवाब भूल गया मैं, केरल में दे रहा हूँ, अब मैं धन्ना से बिल्कुल नहीं, क्या आप अपने कर लो, 1 सेकंड दे दीजिए, केरल का जवाब दे दूंगा, केरल का जवाब, अब मेरे पास वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ, अब वहाँ किस प्रकार धन्ना से इंप्लीमेंटर है, चेक कर लीजिए रोहन जी, बस 1 सेकंड, आपको मौका दिया मैंने, 1 सेकंड, आज तो कोई रोक टोक नहीं हुई, सुधांशु जी को बात खत्म कर लेने के लिए। हाँ देखिए, एफसीआई के गोदामों में प्राइवेट सेक्टर को भंडारण करने के लिए किस ईयर में दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, किसको दिया गया और किस सरकार के द्वारा दिया गया? मान्यवर, आपको सुलभ संज्ञान के लिए बताता हूं, 2005 में दिया गया, UPA 1 के द्वारा दिया गया, अडानी ग्रुप को दिया गया, देश के 7 राज्यों में दिया गया, 12% सालाना। मैं जवाब देना चाहूंगा, नहीं रोहन जी मेरे पास वक्त नहीं है, ये पुष्पेंद्र जी सबसे बेहतर बता सकते थे इस बात को कि आज जो आप उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जब आप सरकार में थे तब कहां खड़े हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूं उन तमाम लोगों से जो दोनों तरफ है, दोनों छोर पर, किसान भी और सरकार भी, कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो क्योंकि देश को बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, सुधांशु जी, रोहन जी आपका। किसान से गतिरोध के बीच आज भारतीय किसान यूनियन के एक गुट ने दिल्ली में कृषि मंत्री से मुलाकात की है, ये बातचीत कृषि भवन में हुई है, 30 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने ये मुलाकात की है। टीएमसी के बागी नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनसे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की है, आज उनका 50वां जन्मदिन भी है। मुलाकात दोनों की जब हुई तो कयास लगाया गया कि शुक्रवार को शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अभी जेड कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दी गई है। दिल्ली में विधानसभा का एक दिन का सत्र गुरुवार को बुलाया गया है, एमसीडी में कथित 2400 करोड़ के घोटाले को लेकर यह सत्र बुलाया गया है।